मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक साली के साथ अफेयर कर बैठे जीजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि नूर मोहम्मद नाम का ये शख्स अपनी साली के प्यार में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने साली के पति को उसकी सुहागरात के दिन फोन कर धमकी दे डाली। गुस्से में शख्स ने कहा कि साली से दूर रहना, वो मेरी है। इस धमकी के पूरे एक साल बाद साडू ने इसका बदला लेकर अपने जीजा का कत्ल कर डाला। आपको बता दें कि इस कातिल ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और अपने जीजा को गुप्ती से गोद कर उसे मौत के घाट उतार डाला। पुलिस को जांच में पता चला कि नूर ने 3 शादियां की हुई थी और कुछ वक्त पहले ही वो अपने गांव निपानिया बैजनाथ रहने आया हुआ था, जहां उसका ससुराल था। ससुराल आए नूर को कुछ दिनों में अपनी साली से प्यार हो गया, लेकिन साली भी शादीशुदा थी। इसके बाद नूर ने साली के ससुराल पहुंचते ही पहली रात को अपने साडू को कॉल कर कहा, तेरी पत्नी को मैंने रख लिया है, तू उससे दूरी बनाकर रखना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस बात से आग बबूला लड़की के पति ने ठान लिया कि नूर को रास्ते से हटाना होगा। कुछ महीनों बाद ठीक समय का इंतजार कर लड़की के पति को वो मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन नूर को अकेला पाकर लड़की के पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे गुप्ती से गोद दिया। काफी लंबी चली इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का लड़की के पति पर शक गहरा होता गया और एक दिन इस शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ की, जहां इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब फिलहाल ये शख्स और इसके भाई जेल की सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।